ड्रग तस्करी के मामले में फंसे तमिल फिल्म प्रोड्यूसर शाहरुख की जवान संग जुड़े हुए थे प्रोड्यूसर। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया बड़ा भंडाफोड़। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग तस्करी के बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक की दवाओं की तस्करी करने के आरोप में एक फिल्म निर्माता को गिरफ्तार किया है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार 9 मार्च को कहा कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके जफर सादिक, जो कि एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनकी सरगर्मी से तलाशी की जा रही थी। सादिक के ड्रग तस्करी के तार नई दिल्ली, तमिलनाडु से लेकर न्यूजीलैंड तक जुड़े हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जफर सादिक वही फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ना सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज बल्कि शाहरुख खान की जवान मूवी में भी काम किया था। ड्रग तस्कर की आज कोर्ट में पेशी कर रिमांड की मांग की जाएगी। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज एक बड़ी सफलता में एनसीबी ऑपरेशंस ब्रांच ने जाफर सादिक अब्दुल रहमान, जो कि मास्टरमाइंड था, एक रैकेट चला रहा था सूडो एफिड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने का, उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको ज्ञात होगा पिछले माह की 15 फरवरी को एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था बसई दारापुर में, जहाँ पर 50 किलो सूडो एफिड्रिन और 3 अभियुक्त हम लोगों ने बरामद किए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे बताए गए उनकी प्रारंभिक पूछताछ में हमें पता चला कि जफर सादिक नाम का एक व्यक्ति है जो कि मास्टरमाइंड है और वो फ्रंट बिजनेस अपना फिल्म निर्माण का रखता है। आज उसको गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है। सर, क्या जफर के किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध है? क्या पॉलिटिकल फंडिंग भी की गई थी इन ड्रग्स के पैसे से? जफर डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग ऑफ चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके अपने आप को बताता है। और जहां तक ड्रग मनी के ट्रेल की बात है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने ड्रग मनी को फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और कुछ लोगों की फंडिंग में भी बताया है। सर, क्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के और भी लोग शामिल हैं और क्या उसने मूवी में, जो आपने बताया था कि एक मूवी में पूरा पैसा लगाया, इसने कुछ फिल्में बनाई हैं जिसमें से एक फिल्म मंगई में पूरा पैसा ड्रग मनी का लगा है, इसके कुछ एसोसिएट्स हैं। आगे आने वाले समय में हमारी पड़ताल जारी रहेगी, हम आपको बताएंगे। बॉलीवुड से भी कोई लिंक आया सामने? बॉलीवुड से भी लिंकेजेस आए हैं, वहाँ के प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स जो इसके टच में थे। ड्रग मनी का ट्रेल अगर उन तक पहुँचता है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इंटरनेशनल ड्रग की बस किया तो इंटरनेशनली कौन लोग इन्वॉल्व है या कोई नाम सामने आए हुए? इसका मॉड्यूल एक ऑस्ट्रेलिया में भी है जिसके संबंध में हम लोग ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड अथॉरिटीज से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः जल्द ही हम लोग उनको भी पकड़ने में कामयाब होंगे।